आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर। एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है और एक बड़ा बयान भी दे दिया है, और इस बयान को लेकर चौतरफा चर्चा भी हो रही है और उस पर रिएक्शंस तमाम तरीके के सामने आ रहे हैं। मदन दिलावर जो कि राजस्थान में शिक्षा मंत्री हैं, उनका ये कहना है कि स्कूलों में अब अकबर महान नहीं पढ़ाया जाएगा, महाराणा प्रताप से बड़ा महान कोई है नहीं। अकबर ने कई साल तक भारत को लूटा, आक्रमणकारी को महान बताना मूर्खता थी जिसे बदला जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि महाराणा प्रताप का अपमान है, महान तो महाराणा प्रताप थे, अकबर तो आक्रमणकारी था, उसे महान बताना मूर्खता थी। और वो ये कह रहे हैं कि हम सुनिश्चित करेंगे कि स्कूलों में ये कहानी ना पढ़ाई जाए, और अगर ऐसा हो रहा है तो हम तुरंत उन किताबों को जला देंगे, ये नीति हम खत्म कर देंगे जहां अकबर को महान बताया जाए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने इस तरह की बात कही हो। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि अकबर की तुलना महाराणा प्रताप से करना और उसे महान बताना मूर्खता थी। ये मेवाड़, राजस्थान और आन बान शान के प्रतीक महाराणा प्रताप का अपमान है। महाराणा प्रताप हमारे संरक्षक थे जिन्होंने झुकना कभी स्वीकार नहीं किया। शिक्षा मंत्री ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर कहा कि हमने सभी कक्षाओं की किताबें देख ली हैं, अभी तक किताबों में ऐसा नहीं है, अगर यदि होता है तो सब किताबें जला देंगे। शिक्षा मंत्री रविवार को उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में हुए भामाशाह सम्मान समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचे। मेवाड़ का दुश्मन अकबर को बताया, पत्रकारों से बातचीत भी की। उसमें मदन दिलावर ने कहा कि जिस मुगल शासक अकबर ने बड़ी संख्या में हत्याएं करवा दी थी, उस अकबर को महान बताते रहे। जिन्होंने अकबर को महान पढ़ाया, उससे बड़ा दुश्मन इस मेवाड़ में और राजस्थान में हो नहीं सकता। वो कहते हैं कि मैं आपके सामने शपथ लेकर निवेदन करता हूं कि राजस्थान की किसी भी किताब में कभी भी अकबर जैसे लुटेरे, आक्रमणकारी, बलात्कारी को सम्मान नहीं दिया जाएगा। वो महाराणा प्रताप से बड़ा भला कैसे हो सकता है? वो तो लुटेरा और आक्रांता था, वो महान कैसे हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने वाले कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे, पाताल में जाएंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये बयान अब चर्चा में बना हुआ है। महिला को उठा कर ले जाता था, दुष्कृत्य करता था। उन्होंने 40,000 लोगों का, बच्चे, महिलाओं, पुरुषों का वध एक ही दिन में किया। और ऐसा करते जो पंडित थे उनकी जो जनेऊ इकट्ठी की गई तो 75 किलो जनेऊ थी, इतने लोगों को मारा गया। ऐसे व्यक्ति को हमारे यहाँ महान पढ़ाते रहे, अकबर को महान पढ़ाते रहे। मैं समझता हूँ जिन्होंने अकबर को महान पढ़ाया उससे बड़ा दुश्मन इस मेवाड़ का और राजस्थान का तो हो नहीं सकता। मैं आपके सामने शपथ लेकर के निवेदन करता हूँ, अब राजस्थान की किसी भी किताब में कभी भी अब अकबर लुटेरे, आक्रमणकारी, बलात्कारी को सम्मान नहीं किया जाएगा। महाराणा प्रताप से बड़ा कैसे हो सकता है? वो लुटेरा, आक्रांता और माता और बहनों के साथ कुकृत्य करने वाला, ऐसे व्यक्ति को सम्मान देने वाले कभी भी ऊपर नहीं आ पाएंगे, पाताल में जाएंगे। नमस्कार है। मदन दिलावर ने ये बयान दिया है, बयान को लेकर चर्चा चौतरफा है। मेरे साथ में इस पर ज्यादा अपडेट के साथ इंडिया न्यूज संवाददाता जयपुर से प्रशांत यादव जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता अमित गोयल मेरे साथ में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता यशवर्धन सिंह साथ में हैं, साथ ही साथ डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू मेरे साथ में लेखक के तौर पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले प्रशांत यादव, मैं आपका रुख कर रही हूँ। मदन दिलावर के इस बयान के बाद रिएक्शन जाहिर सी बात है कि आ रहे होंगे, क्या कुछ अपडेट है अब तक का? जी बिल्कुल, देखिए अकबर के बयान को लेकर मदन दिलावर इससे पहले भी चर्चाओं में रहे हैं, या यूं कह ले कि जब से मंत्री पद ग्रहण किया है उसके तुरंत बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब भी जो है अकबर को लेकर इसी तरीके की बयानबाजी जो है मदन दिलावर ने की थी। और एक बार फिर से कल उदयपुर में एक तरीके से कह ले कि राजकीय समारोह के दौरान उन्होंने कहा
कि जो भी अकबर को महान पढ़ा रहा है वो बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, इसीलिए उन्होंने शपथ लेकर ये कहा गया कि अब राजस्थान में अकबर को महान के रूप में नहीं पढ़ाया जाएगा, महाराणा प्रताप से बड़ा महान कोई हुआ ही नहीं है। लगातार जो है लोगों की इस पे प्रतिक्रिया आ रही है, जो लोग हैं वो उदयपुर में जब उस समारोह में जो मौजूद थे उन्होंने जो है पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मदन दिलावर के इस बयान पर तालियां पीटी और एक तरीके से कहले के खुशी जाहिर की, मगर अब जो बयानबाजी है वो लगातार देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जो है मदन दिलावर अकबर के बयान को लेकर चर्चाओं में बने हैं, जो लोग हैं उनकी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है, कुछ लोग जो है विरोध भी जता रहे हैं, मगर विरोध जताने वाले लोगों की संख्या बेहद कम है और महाराणा प्रताप को पढ़ने वाले लोगों की खुशी ज्यादा है। जी, डीएनए टेस्ट वाला बयान भी इन्होंने